पिथौरागढ़ में धारचूला मुख्यालय को चीन सीमा से जोड़ने वाले तवाघाट पुल के गिरने से सीमान क्षेत्र के लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। पुल ध्वस्त होने से तवाघाट में करीब 24 से ज़्यादा वाहन फंस गए। वहीं प्रशासन ने आवागमन के लिए धौली गंगा नदी पर अस्थायी पुल का निर्माण कराया, जिसके जरिए पैदल आवाजाही संभव हो पाई। लोग इस पुल के जरिए अपना सामान ढोकर धौली गंगा नदी को पार कर रहे हैं और दूसरी तरफ से वाहनों की अदला बदली की जा रही है। पुल टूटने से ब्यास और चौदास घाटी की करीब 20,000 की आबादी संकट में है। साथ ही सेना, ITBP और SSB की उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित अग्रिम चौकियों के लिए भी आवागमन की दिक्कत खड़ी हुई है। ग्रिफ के मुताबिक इस स्थान पर 15 दिन के भीतर नया वैली ब्रिज लगा दिया जाएगा। यहाँ फंसे पड़े हैं, यहाँ पे कई परेशानी हो रही है। जैसे ही कल रोड खुली यहाँ पे, तो यहाँ पुलिया एक ट्रॉली आ रही थी जो पुल पे बीच में गिर पड़ा। पुल यहाँ पे पूरी ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पे बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पे जनता कोई शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहे यहाँ पे। ये जो तवाघाट पर वैली ब्रिज टूटा हुआ है, टूटा नहीं है, मतलब उसमें एक ट्राला जो है अपना एक पोकलैंड को लेकर के ओवरलोड होकर था, जो पुल की कैपेसिटी से ज़्यादा था, तो बीच में जा कर के पुल जो है बैठ गई है। और चूँकि हमने पैदल आवागमन का रास्ता, तो वहाँ पर पटरी वाला पुल एक बना करके पैदल तो आवागमन चल रहा है, इसको रेस्क्यू में अभी टाइम लगने की आशंका है। तो चीन सीमा तक कैसे पहुँचे? तवाघाट चीन सीमा पर जोड़ता है, ये पुल जोड़ता था, धौली गंगा नदी पर बना है वैली ब्रिज। पहली ब्रिज की ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। BRO ने तैयार किया था इस पुल को। 40 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो प्रभावित होते हैं। मयंक जोड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी पिथौरागढ़ से। मयंक, लोगों की लाइफ लाइन कहा जाता था ये पुल, और अभी धस गया है, यानी जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आवाजाही संभव नहीं है। जी पंकज, यहाँ पे आवाजाही पिछले 3 दिनों से बाधित है, क्योंकि रविवार को यहाँ पे ट्राला ओवरलोडेड आपको रोक रहा हूँ। RD पालीवाल, ADM साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पालीवाल जी, स्वागत है आपका 9TV में। सवाल सर इस पुल को लेकर है, जो पुल 20,000 से ज्यादा की आबादी का लाइफलाइन माना जाता है, उसको लेकर क्या अपडेट सर? कैसे लोगों की ये दिक्कतें दूर होंगी? को बता दिया है BRO, इसमें नया पुल इरेक्ट करने की कार्रवाई कर रहा है, जो बहुत जल्दी हमारा इरेक्शन हो जाएगा। और फिलहाल जो है हमने नदी पर एक जो है टेम्परेरी जो आवागमन लोगों का है वो ना रुके, ये व्यवस्था BRO ने वहां पर कर रखी है। जी पालीवाल जी, कितना वक्त लगेगा ये पुल बनने में? और मैं आपके जरिए जानना चाहता हूँ कितने ऐसे गांव हैं जो प्रभावित होंगे, जिन्हें दिक्कतें पैदा होंगी? एग्जैक्ट टाइम तो हम ऐसा नहीं बता पाएंगे, लेकिन 7 से 10 दिन के बीच में BRO का कमिटमेंट है कि हम इसको बना देंगे। जी, तब तक वो गांव, वहां जो रहने वाली आबादी, उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था, क्योंकि गाड़ियां तो जा नहीं पाएंगी? गाड़ियां नहीं, पैदल आवागमन वहां पर रहेगा। उसके लिए जो है टेम्परेरी जो हमारा पटरी का लकड़ी का पुल बनता है जो ट्रेडिशनली, वो वहां पर BRO द्वारा बना दिया है, उसकी व्यवस्था कर दी गई है। जी फिलहाल वहां पर 10 दिन तक जो है पैदल आवागमन चलता रहेगा। जी पालीवाल जी, पुल के उस पार कितने गांव हैं, कितनी आबादी है जो अब इस पैदल पुल से सफर करेगी? उसमें 6-7 गांव हमारे जो पड़ते हैं अभी, जो वहां लोग रहते हैं जी, तो वो 6-7 गांव की करीब 4-5 हजार आबादी होगी जो आवागमन में जिनको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हमने पैदल का जो है उसमें व्यवस्था कराने का BRO को निर्देशित किया कि आप पैदल तो इसमें करें, और BRO का अपना कमिटमेंट है कि 10 दिन में हम इसको मोटरेबल भी इरेक्शन कर देंगे। जी पालीवाल जी, अभी आपकी वाइट भी हम सुन रहे थे, आपने कहा कि एक ओवरलोडेड ट्रक या कोई चीज इसके ऊपर से गुजर रही थी, तब ये पुल धस गया। क्या कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि एक निश्चित सीमा के वाहन ही इसमें जाए, उन्हें रुका जाए इधर? नहीं, एक्चुअली वो रोड अभी निर्माणाधीन है जी, वहाँ पर RCC का ब्रिज भी प्रस्तावित है जी। तब तक के लिए वो जो है एक बनाया गया था कि ट्रांसपोर्ट होता रहे, ट्रांसपोर्टेशन वहां से, वो वैली ब्रिज बनाया गया था
अब उसमें एक निश्चित भार क्षमता तो होती है जी, उसमें भार क्षमता से अधिक गया है तो उसमें बीआरओ अपना इंक्वायरी करके अपना कार्रवाई कर रहे हैं बीआरओ जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरडी पालीवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये भरोसा देने के लिए। वक्त लगने वाला है यानी 10 दिन तक तकरीबन 6-7-8 गांव जो हैं वो पैदल ही सफर करेंगे, वैकल्पिक रास्ते के जरिए जो एक पुल बनाया जा रहा है। मयंक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मयंक, अभी एडीएम साहब जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 10 दिन का वक्त कितना भारी पड़ने वाला है उन 5-8 गांवों के लिए, कितना दूर है यहाँ से, कितना किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना होगा। जी पंकज, यहाँ पे जो मार्ग बाधित हुआ है इससे जो व्यास और 14 घाटी जो चीन सीमा से लगी हुई है उनका संपर्क यहाँ पे टूट गया है। हालांकि प्रशासन ने फौरी राहत के तौर पे यहाँ धौलीगंगा पे एक पैदल पुल का निर्माण किया है जिससे लोग आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन जो वाहनों की आवाजाही है वो पूरी तरह ठप हो गई है, जिस कारण जो यहाँ से रसद सामग्री है या कोई अन्य खाद्यान्न सामग्री है, चाहे वो सीमांत के गांव तक जानी हो या जो जहाँ जो सेना की वहाँ अग्रिम चौकियां हैं उन तक जानी हो, तो उसमें काफी दिक्कतें यहाँ पे उठानी पड़ेंगी, क्योंकि काफी मीलों का सफर यहाँ वहाँ पे तय करना पड़ेगा। जो रोड वहाँ पे निर्माणाधीन है उसके बाद भी जो चौकियां हैं वो काफी दूर दराज है, काफी किलोमीटर दूर यहाँ पे पैदल लोगों को सफर करना पड़ेगा, और जो मार्ग बंद है उससे जो ब्यास और चौदास घाटी के करीब दर्जनों गांव यहाँ पे इससे जो सीमाओं पे डटे हुए हैं जवान, उनके लिए खाद्यान्न और उनके लिए भी दिक्कत होने वाली है। आप नजर बनाए रखिएगा मयंक इस खबर पर।